नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS ऑफिशियल। बड़ी खबर आपको बता देते हैं दोस्तों, BMS की तरफ से आ रही है। BMS की जो यूनियन है, ग्रामीण डाक सेवकों की भारतीय एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ यूनियन, वो उसके तरफ से भी एक बड़ी खबर है कि फरवरी 24 तारीख को जो अयोध्या में, आपको जैसा कि हमने बताया, उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े स्तर पर एक मीटिंग होने वाली है। अयोध्या में पहुँचने की बात है यहाँ पर। तो दोस्तों, करीब 10,000 ग्रामीण डाक सेवकों का साथ इन्होंने मांगा है। उस दिन कई बड़े लोग शामिल होंगे दोस्तों इस मीटिंग में। आपको बता दें कि अभी तक जो दावा है, कमलेश चंद्र जी जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाया है, जो जिनका रिपोर्ट में पूरा काट छाट हुआ है, वो भी शामिल होने जा रहे हैं। मनोज सिन्हा भी शामिल होने की पूरी संभावना है। मनोज सिन्हा जी भी शामिल होंगे, जैसा कि BMS की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। BMS के अब तक की सबसे बड़ी कोशिश होगी GDS को परमानेंट कराने की। रिपोर्ट के जितने भी मांगे हैं सभी वो पूरे होने की, इसीलिए दोस्तों ग्रामीण डाक सेवकों को भी शामिल होना है और उनका साथ देना है। BMS के पास उतनी क्वांटिटी नहीं है जितनी AIGDSU के पास है। आपको बता दें, BMS के पास उतनी जो लोगों की जो संख्या नहीं अब तक है ग्रामीण डाक सेवकों की, तो अब BMS साथ चाहती है ग्रामीण डाक सेवकों का। कहा है जितने भी मेंबर है, जो भी यूनियन के मेंबर है, उनके साथ 10 और ग्रामीण डाक सेवकों को लेकर आए। उत्तर प्रदेश में ही अकेले 10,000 ग्रामीण डाक सेवक है, लेकिन क्या वो शामिल होंगे या फिर आजू बाजू के स्टेट से अगर शामिल होते हैं तो ये BMS की जीत होगी। और ये जो है आंकड़ा दिखाना चाहते हैं, BMS जो है और जो इनकी यूनियन है, वो आंकड़ा यहाँ पे दिखा के साबित करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इतने लोग अभी अपोज कर रहे हैं इस चीज़ का। और आपकी जितनी भी नीतियाँ हैं गवर्नमेंट की, जो और जो डिपार्टमेंट की नीतियाँ हैं, और अगर ये नहीं मानते हैं तो दिल्ली तक जाने का यहाँ पे प्लानिंग हो चुका है दोस्तों। अगर वहाँ पे अयोध्या में पूरा जो है कार्यक्रम सफल नहीं होता है तो दिल्ली में ही साथ ही साथ यहाँ पे प्लानिंग बन जाएगा और जाके जो है स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से बन रही है। तो काफ़ी बड़ी मीटिंग इस बार देखी जा रही है BMS की। और ये जो है 4-5 दिन वाला जो स्ट्राइक है, इनका जो ये स्ट्रेटेजी नहीं है कि रिपोर्ट को लेकर 4 दिन बाद या 5 दिन बाद वापस ले ले, तो इनका जो है परमानेंट करने का ये जो मसला है ये उन्होंने सामने लाया है। और सुगंधी जी से भी बात करेंगे हम और आगे नेताओं से बात करेंगे BMS के, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो आप जान लीजिए। और यहाँ पे जो है ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या जो है 10,000 होनी चाहिए कम से कम, BMS का कहना है, क्योंकि अगर कम लोग होंगे तो उनकी जो शक्ति है वो प्रकट नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे इतना भी कह दिया गया है कि अगर ज़्यादा संख्या रहा तो दिल्ली में जाकर भी दिल्ली भी कूच कर देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अंतिम प्रयास कर दे। तो यहाँ पे तो दोस्तों इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं अंतिम प्रयास रहेगा और सबसे बड़ा प्रयास रहेगा BMS का। अब देखते हैं कितने लोग जमा होते हैं। फिलहाल तो अभी ज़्यादा लोग को इसकी खबर नहीं है। आप सभी तक शेयर कर लीजिए क्या इस BMS के प्लान से GDS परमानेंट हो सकता है। इलेक्शन को सामने देखते हुए आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ देर बाद हम मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन शामिल होगे, सीधे बात करेंगे सुगंधी जी से और संतोष कुमार जी से आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप इस तरह के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।